भी आएंगे कुछ आएंगे दो चोर देख रहे हैं आप, देखेंगे किस तरीके से ये आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। गौर से इन तस्वीर को आप देखें, तीन चोर हैं, एक दो और तीसरा ये आपके समक्ष है। सीसीटीवी में ये फुटेज जो आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूँ, बड़े ही शातिर चोर हैं जो बड़ी ब्राह्मणा इलाके में चोरी को अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी जनता को इन्होंने नुकसान पहुँचाया हुआ है। मैं बेरू यहाँ से फिर आएंगे एक बारी, फिर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ए एल ई डी में आपके समक्ष मैं चोरों की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बड़ी ब्राह्मणा इलाके में आज उन्होंने फिर से एक बड़ा क्राइम को अंजाम दिया है। किस तरीके से चोर आते हैं, किस तरीके से बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ऐसे चोरों से। जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इलाके में तो चोरों का आतंक है और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस क्या कर रही है, सोई हुई है कि क्या है, फिलहाल ये समझ में नहीं आता क्योंकि रोजाना ही कई दिनों से चोरी की घटनाएं पेश आ रही है। ये देख रहे हैं, बोलोगे जूम करके दिखाएं, ये देखेंगे ये गली में तीन चोर छुपे हुए हैं और ये घर को इन्होंने निशाना बनाया है। देखेंगे किस तरीके से ताक रहे हैं और एक गली है, इनको ना तो आम जनता का भय है, ना पुलिस प्रशासन का भय है, ना आम जनता जिस तरीके से परेशान है किस तरीके से करते हुए नजर आते हैं। देखेंगे गली में ये तीनों जो छुपे हुए हैं और ये सामने बिल्कुल गली है और किस तरीके से इस घर में जाकर ये बड़े क्राइम को अंजाम देंगे। बता रहे सोने की चैन, कई हजार रुपए पैसे यहां से चोरों ने आज फिर से घर को निशाना बनाया है। मैं बड़ी ब्राह्मणा के ध्यानसर इलाके में हूं, देखेंगे एक्टिविटी किस तरीके से कर रहे हैं। आगे बोलूंगा और आके जूम करके दिखाए से, ये देखेंगे ये घर है सामने और ये दो यहां पर छुपे हुए हैं सामने, देख रहे हैं किस तरीके से टार्च मारकर देख रहे हैं और ये रेंट पे जो किरायादार रहते हैं किस तरीके से देखेंगे तारों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। पहला शख्स है चोर, ये दूसरा, तीसरा, ये तीनों ने नकाब जो है बांधा हुआ है। आप देखेंगे फेस पर उन्होंने मास्क डाला हुआ है, रुमाल बांधा हुआ है ताकि इनकी शक्लें जो है पहचानी ना जाए, लेकिन इनकी शक्लें जो है सीसीटीवी में आ चुकी है जो इस समय आप जेके चैनल पेज पे देख रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा आप इस चोर को पहचाने, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ये चोर कहाँ के हैं, कौन सी जगह के हैं, लोकल हैं कि बाहरी राज्य के हैं, सबसे पहले आप तस्वीर को देखें पहचाने। आप देखेंगे किस तरीके से लोहे की जो दीवार है उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये खिड़की है, किस तरीके से लोहे की काटने का प्रयास करेंगे, कितने लंबे समय से ये क्राइम को अंजाम देते हैं। देखेंगे दूसरा शख्स भी आ चुका है और एक यहां पर खड़ा हुआ देख रहा है, राखी कर रहा है और आप देखेंगे किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। पहचाने इन्हें, ये कहाँ के चोर हैं, कौन सी जगह के हैं और पुलिस को तुरंत कॉल करें। हम पुलिस के समक्ष सीसीटीवी दिखाते हैं कि पुलिस आसानी से चोरों को पकड़ पाए, लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं है। मात्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर पे एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस स्टेशन पुलिस कर्मचारी क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं कि क्या है कोई पता नहीं। ओ रातों को सोते हैं पुलिस वाले और रातों को ये चोर जागते हैं, क्योंकि अगर पुलिस रातों को जागती तो शायद रातों के ये चोर जो है खुलेआम दहशत दिखाते हुए जनता को नहीं नजर आते। इन्हें ना किसी को भय है, ना पुलिस को भय है, ना आम जनता का भय। आप देखेंगे रातों को किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से ये दरवाजे पर जाकर किसी का तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास किया भी है फुल, और देख रहे हैं ये पूरा जो है किस तरीके से काटेंगे और ये देखेंगे फिर चढ़ रहे हैं फिर वहां से और किस तरीके से घर में मेंबर सोए हुए हैं, कोई डर नहीं, उनको भय नहीं। आज इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके का विजुअल है। बड़ी ब्राह्मणा इलाके में तो अब रिश्तेदार भी आते हुए डरते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में शायद हम गाड़ी बाहर लगाएंगे तो चोरी तो नहीं हो जाएगी, घर में कोई सामान रखेंगे तो चोरी तो नहीं हो जाएगी। सबसे आतंक वाला इलाका है बड़ी ब्राह्मणा। मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन को नफरी बढ़ाई जाए बड़ी ब्राह्मणा में, क्योंकि अब पुलिस की कमी बेशी लग रही है। बड़ी ब्राह्मणा की पुलिस इंडस्ट्रियों को संभाले, नेशनल हाईवे देखे या तेली बस्ती इलाके की तरफ राखी करे, या बड़ी ब्राह्मणा इलाके में पुलिस की तैनाती हो, ये समझ नहीं आता क्योंकि अब पुलिस की काफी ज्यादा जरूरत है,
क्योंकि अब चोर नहीं डरते पुलिस वाले से। आप देखें कुछ शक्लें इनकी पहचानने को मिल रही है, आप देखेंगे ये किस तरीके से लाग को जो है काट रहा है और किस तरीके से ये बड़ा क्राइम को अंजाम देंगे। काफी लंबी ये वीडियो है, कम से कम इन्होंने 5 या 10 मिनट लगाया हुआ। देखेंगे अंदर किस तरीके से ये घुस रहे हैं, आप देखेंगे काट चुके हैं, आप देखिए कितने शातिर के चोर हैं, अंदर किसी का भय नहीं, ये अंदर जा चुके हैं। आपने देखा पहले इसे काटा, उसके बाद अंदर जा चुके हैं, एक यहाँ पर राखी कर रहे हैं, एक दूसरा ये जा रहा है आगे आगे देख रहा है, कोई आगे से कोई आ तो नहीं रहा है, ताकि मैं अपने साथियों को जो है इतला कर दूं, अब भागने में कामयाब हो जाए। ये देख रहे हैं एक अंदर जा चुका है, दूसरा यहाँ राखी कर रहा है, तीसरा जो है गली में है, और बड़ा क्राइम को यहाँ पर अंजाम दिया इन्होंने। सोने की चैन है, मोबाइल फोन है, और सब ले जा चुके हैं। गरीब इंसान को रोजाना ही तंग करते हुए नजर आते हैं। काफी लंबी वीडियो है ये, और लंबा समय लगाया इन्होंने। पहला देखेंगे अंदर जा चुका, दूसरा यहाँ पर खड़ा, और तीसरा जनाब यहाँ से आते हुए नजर आ रहा है। बड़ी हिम्मत है इन चोरों की, और हिम्मत देने वाले बड़ी बरामदा के पुलिस कर्मचारी हैं, क्योंकि हिम्मत ये लोग जो दे रहे हैं, इसका यही नतीजा और ये मामला देखने को मिलता है कि अगर पुलिस का भय इन लोगों को क्यों नहीं, पुलिस अच ढंग से काम नहीं कर रही तभी इन लोगों को हिम्मत मिलती है। पुलिस अगर इन लोगों को सही ढंग से पकड़ेगी तो ये लोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, और इतनी हिम्मत जो है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से भी इनको मिल रही है, इसलिए मिल रही है अगर पुलिस सही ढंग से काम करे, पुलिस का इनको भय हो, तो इतनी हिम्मत जो इनके दिलों में ये पैदा हो चुकी है। शायद डरे पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले डरते नहीं है। पुलिस वाले अगर अच्छे ढंग से कार्रवाई करते तो शायद इनको हिम्मत नहीं मिलती, ताकि ऐसे क्राइम को अंजाम ना दे पाते। जिस तरीके से अब बड़ी ब्रह्मणा सही ढंग से क्राइम पर काम नहीं कर रही, जिसके वजह से इन लोगों की इतने हौसले बुलंद हुए हैं। काफी लंबी वीडियो है, देखेंगे अंदर जा चुका, एक बाहर खड़ा हुआ है, एक गली में घूम रहा है। जहां पर पूरी घटना पेश आई है वहां पर ले चलता हूं मैं। ये घर है जहां से सीसीटीवी के आधार पर मैंने ये वीडियो आपके समक्ष रखा है, और जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है, मैं वहां भी ले चलता हूं आपको। जिस तरीके से यहां पर चोरी की घटना पेश आई है, ये सामने ही गली है, और यहां पर ही इसी गली में पूरा मामला सामने आए हैं। लोग खड़े हुए हैं, ये लोकल लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इसी जगह पे यहाँ से आए हैं चोर। अरे यहाँ पर ही महिला है अपने बच्चों को। जी क्या क्या नाम है? बैठो बैठो, बैठी गल कुछ रोंदे हो पीछे रामनगर देना। अच्छा की गल बात है, की चोरी हुई? चोरी मेरी टिक्की सुनने लेती, पैसे लेते, फोन लेता। कितना नुकसान हुआ? जेड़ा मैं बता नहीं उसी इजा या सुनने दी गड़ी आटन दी सुनने टिक्के नहीं होती जेड़ी। अच्छा ओ है तुसे पता लग गया अंदरू अंदर सुते थे दोस्तों? कुंडी लाई अंदर, उन्हें बल्ले खोली, कोई शेड नहीं की, कोई केश नहीं, पर्स त्रै किट्ठे रखे, उगे पर्स चुके, सारा समान उत्ता पर्से च पैदा, फोन उत्ता पर्से च पैदा। पैसे कितने हैं? पैसे 2000 रुपया और सुनने दी चैन जुड़ी। हां सुनने टिक्की है, वो सौरियां बनाई दीती, लोकें घरे काम करी करी 11 करनी, 3 बच्चे न मेरे। घर आला कुछ थोड़ा घर मेरा तैड़ी लांदा, इधर कोई काम नहीं थोजा, उन्हें बाहर भी कंपनी बिच चली गई। अच्छा। हां इत्थे कियां 11 करना? किन्ना टाइम दी गल ही रती है? 4:30 बजे दी। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਛ ਪਤਾ? ਨਾ 5 ਵਜੇ ਥੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਏ। ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਮੈਂ, ਦੇਖਿਆ ਪਰਸ ਲੈ ਉੜੇ, ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਹੁਣ 12 ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਰਹੀ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਰੇ, ਇਹਨੀ ਅੱਖੇ ਬੱਖਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੂੰ ਮੇਰਾ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੀ 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 ਕੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਮਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਐ ਸੀ ਜਦਨ, ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਦਨ ਚੋਰਾਂ ਹੀ ਫੜਨ ਸੀ ਜਦਨ ਫੜੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਦਨ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਚਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 2000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਝੁੰਡੀ ਚਾਨੀ ਹੈ।
ਬਾਈ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗੇੜ ਇਸ ਚੁਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਗੇੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਗੇੜ ਮੇਰਾ ਚੁਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਹੈਂ ਗੇੜ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦੇ देखिए जी पूरे मोहल्ले हैं सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सर के अपील करके पुलिस को जी चोरी हो कुछ बोल के असि यो आखना जी थोड़ा देखन ध्यान करन कुछ भी नहीं वैन च दिन दोपहर चोरिया हो रही के आखना और देखेंगे जी पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिस तरीके से अब चोरी की बड़ी क्राइम को अंजाम दे रहे हैं चोर और ये सामने ही देखेंगे यहाँ पर पुलिस को लगे अपील करके सोमवार मैं ब्याह है वो कटना है देखेंगे जी पूरा मामला है मैंने आपके समक्ष रखा है ये सामने घर है मेरे छोटे छोटे बच्चे इधर आमित आ सुनुद्रा ये मेरे निके निके बच्चे दिख लो मैं किया पाल ले ना उन्हें जी मेरा फोन लेता फोन दऊन पैसे दऊन मेरे ते जेडी मेरे सुनने टिक्की लेती भी दऊन देखेंगे जी ये तीन बच्चे हैं इनके और ये मिसिस है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते बेचारी और घर वाला भी कहीं काम पर गया हुआ है अपने बच्चों के लिए और अभी सोना लेके चैन सोने के बता रहे हैं कैश बता रहे हैं मोबाइल फोन बता रहे हैं वैसी घटना जो बड़ी ब्रह्मा इलाके में देखने को मिली है पुलिस पर यही अपील करेंगे हर बार करते हैं तो फिर करेंगे कम से कम ऐसे गरीब लोगों को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं ऐसे चोरों को तो पकड़े आम दहशत का माहौल बना दिया है बड़ी ब्रह्मा इलाकों में चोरों ने पुलिस का कुछ ऐसा असर जो है देखने को मिल रहा है आज तीसरा दिन है बड़ी ब्रह्मा इलाके में जहाँ लगातार चोरी की वारदात पेश आ रही है धन्यवाद जय श्री कृष्ण।